नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में नहीं थम रहा है सुअरों की मौत का सिलसिला। विधायक ने किया स्थल निरीक्षण, निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना के 13 संदिग्ध मरीजों की हुई जांच, 4 का चल रहा है इलाज। कोरोना के कहर को देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, जन जागरूकता फैलाने की कही बात। कहलगांव में संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति का शव हुआ बरामद, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, जांच में जुटी पुलिस। और बांका में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने ली मरीज की जान, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में अज्ञात बीमारी से हो रहे सुअरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को भी आधा दर्जन से अधिक सुअर विभिन्न इलाके में मृत पाए गए। अब तक वार्ड संख्या 26 और आसपास के क्षेत्रों में 400 से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही सुअर की मौत का जायजा लेने गुरुवार को सुर्खीकल इलाके में नगर विधायक अजीत शर्मा खुद पहुंचे और महादलित बस्ती में घूम घूम कर सुअरों के मौत की जानकारी ली। विधायक ने जंगलों एवं झाड़ियों में जाकर मृत अवस्था में सुअरों के शव को देखकर चिंता जाहिर की। इसके बाद विधायक ने मोबाइल पर उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा से संक्रमण को नियंत्रित करने का निर्देश दिया और कहा कि इसकी सूचना वह फैक्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को देंगे। विधायक अजीत शर्मा ने नगर निगम की व्यवस्था को अपर्याप्त बताया, साथ ही कहा कि इलाके में साफ सफाई के लिए वह खुद सहयोग करेंगे। और यहाँ बिल्कुल नगर निगम की यह आवश्यकता है कि मर रहा है और उससे क्या हो रहा है कि मरने से जो बदबू से महामारी फैलने का आशंका है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत कम संख्या में भेजा गया बुरा। अभी मैंने बात किया है उपनगर आयुक्त से, लेबर भी नहीं, गड्ढा खाने के लिए लेबर की कमी है। और जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, ताकि इसको जब ब्लीचिंग से पर्क करके इसको बीमारी को नहीं रोकेंगे तो लोग जान की खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर आग्रह किया हूँ इसको रोकने का इंतजाम करें, डॉक्टर्स को भेजे और ब्लीचिंग पाउडर से कम इसको जो बदबू बहक रहा है, जो और आशंका बढ़ेगी लोगों को, वो रोकने की व्यवस्था की। वहीं पार्षद पति संजय कुमार तांती ने कहा कि नगर निगम के द्वारा संक्रमण रोकने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। व्यवस्था के नाम पे तो अभी तक जो है जेसीबी उपलब्ध कराया गया है और बोले फॉगिंग एक दिन का किया गया था, उसके बाद 2 बोरा ब्लीचिंग, 4 बोरा चूना, यही सिर्फ व्यवस्था के नाम पे नगर निगम की तरफ से मिला है। जो हम लोग पिछले 8 दिन से अपना लेबर जो भी वार्ड में काम करने वाला है उसी से अपना काम जो शुगर चुनने में लगा देते हैं, लगभग 7-8 लेबर उसी में लग जाता है। बाकी वार्ड जो है इसी तरह गंदगी से भरा पड़ा। कमी तो यहाँ पे बोलिए महामारी फैलने की आशंका है। और आज तो न्यूज में पेपर में भी दिया गया था शुगर जहाँ पे मरा जाता है तो वहाँ पे बल फ्लू फैलने का ज्यादा शंका रहता है। साथ ही विधायक के साथ पहुंचे वार्ड संख्या 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि इलाके में महामारी जैसी स्थिति है लेकिन निगम प्रशासन सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर पल्ला झाड़ रहा है। इधर निगम प्रशासन द्वारा मृत स्वरों को खुले गड्ढे में डालकर छोड़ दिया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर में सुअरों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 300 से ज़्यादा सुअर विभिन्न इलाकों में मर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड संख्या 26 के सुर्खीकर इलाका में। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वह इस इलाके की यह बयां कर रही है कि किस तरीके से यहां संक्रमण का खतरा फैल गया। पूरा इलाका संक्रमण की चपेट में है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम सुअर के मरने के बाद हरकत में आया लेकिन उन्होंने ये ऐसी व्यवस्था की है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते कि नगर निगम के द्वारा जेसीबी से गड्ढा किया गया है और गड्ढे में मृत सुअरों को डाला गया है लेकिन जो मृत सुअर है वो खुले में इसे डाल दिया गया और जिसके कारण पूरे इलाके में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। महामारी की आशंका से लोग अपने अपने घरों में हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये इलाका है पूरा रिहायशी इलाका है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और महज 200 से 300 मीटर की दूरी है, 200 से 300 मीटर की दूरी पर छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, युवा क्रिकेट
फैले हैं, इस इलाके में पूरी तरीके से जो है तो संक्रमण का खतरा फैला हुआ है। और जो नगर विधायक थे अजीत शर्मा, वह भी अभी आए थे इस इलाके में और उन्होंने इसका निरीक्षण किया था और देखा था कि खुले में जो है तो मृत सुअर के सब को फेंक दिया गया। एक बार फिर से हम आपको वह तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी भी कई सुअर गड्ढे में मृत अवस्था में खुले में पड़े हैं, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है इलाके में। जो सफाई कर्मी है उसे मास्क तक उपलब्ध नगर निगम के द्वारा नहीं कराया गया और जो पार्षद है उसका उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो उपाय होने चाहिए, वह अब तक नहीं किया गया है नगर निगम के द्वारा। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर नगर निगम प्रशासन इस महामारी फैलने के बाद भी उदासीन रवैया क्यों अपनाए हुआ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। एक तरफ लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं तो दूसरी तरफ भागलपुर में अचानक हो रही सुअरों की मौत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। शहर में लगातार हो रही सुअरों की मौत को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वाइन फ्लू से जोड़कर देख रहे हैं। सुअरों की मौत पर मायागंज अस्पताल के डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि जिन जगहों पर सुअर लगातार मर रहे हैं वहां पर स्वाइन फ्लू फैलने की आशंका ज़्यादा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि NCoV-19 की मृत्यु दर से अधिक खतरनाक स्वाइन फ्लू है। देखिए, हमने भी अखबारों में पढ़ा है और देखा है, रास्ते में आते जाते भी उस मोहल्लों से होकर मैं गुजरा हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे सुअर मृत पड़े हुए हैं। तो अखबारों में जैसा देखा, जैसी जानकारी मिल रही है, टेस्ट सैंपल गया है, अभी का समय जो है वो फ्लू का है और ज़्यादा लगता है मुझे कि संभवतः यह स्वाइन फ्लू निकले इसमें। तो स्वाइन फ्लू एक बीमारी है जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी ही होती है स्वाइन फ्लू भी, और स्वाइन फ्लू सुअरों से होकर मनुष्यों में आती है, ट्रांसफ़र होती है उसमें। तो ये स्वाइन फ्लू से बचने का तरीका है कि आप अपने चारों तरफ साफ़ सफाई ज़्यादा रखिए और मास्क का इस्तेमाल करिए, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी होता है तो आप उसके लिए दूरी बना कर रखिए लोगों से, आप हाथों को हमेशा साफ करिए, वॉश करिए, और इन लोगों के संपर्क में मत आइए जो खांस रहे हों, छींक रहे हों, उन लोगों से दूर है। तो अभी तो वस्तु स्थिति भागलपुर के लिए हो गई है एक करेला दूजे नीम चढ़ा, कि एक तो हम लोग अभी कोरोना को खोजने, पकड़ने में और बचाने में लोगों को उनके पीछे लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये स्वाइन फ्लू का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में एक जगह पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसमें अब तक 13 संदिग्ध मरीजों की जाँच हो चुकी है। मायागंज अस्पताल के चिकित्सक सह कोरोना वायरस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इसके लक्षण सामान्य बीमारी जैसे होते हैं। अभी तक जो सस्पेक्टेड केस आए हैं, सस्पेक्ट का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जिनको बुखार है, सूखी खांसी हो रही है, 60 से ज़्यादा की उम्र के ज़्यादातर लोग हैं, इनको या तो HIV है या डायबिटीज़ है या किडनी फेलियर है या कैंसर के रोगी हैं, इनमें हम लोग को विशेष ध्यान देकर इनकी खोजबीन करनी है, क्योंकि कोरोना वायरस से जो मौतें होती हैं वो 60 की उम्र के बाद ही ज़्यादा होती है और ख़ासकर वैसे लोगों में ज़्यादा होती है जिनका मैंने अभी आपको उल्लेख किया। साधारणतया जो 2-3 मुख्य बातें हैं कोरोना में, कि मरीज़ को बुखार होना है और गले में खराश या सोर थ्रोट जिसको कहते हैं वो होती है, और तीसरी बात है नज़ला कम होता है, नज़ला ज़ुकाम जिसको कहते हैं कि नाक से पानी बहना, वैसा सिर्फ 3-4% में ही होता है। और अगर कोई हिस्ट्री इनके साथ हो कि वो ऐसी जगह हिंदुस्तान में उन्होंने भ्रमण किया हो जहाँ पर ये बीमारी चल रही है, जैसे मुंबई गए, जयपुर गए, कलकत्ता की तरफ गए, दिल्ली गए, इन सब जगहों में हो रहा है, दक्षिण में, केरल में हो रहा है। वहीं मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अभी भी 4 संदिग्ध मरीजों की जाँच की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर कैसी व्यवस्था की गई है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग इसके संदिग्ध पाए गए। वहीं भागलपुर में भी कोरोना वायरस के 13 मरीजों की, संदिग्ध मरीजों की अब तक जांच हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में। आप हमारे
साथ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जहाँ जो 13 संदिग्ध मरीज की जांच हुई है उसमें से 8 में अब तक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 4 मरीज अब भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। संदिग्ध की श्रेणी में इसे रखा गया है और इनकी जांच चल रही है। जो चिकित्सक है वो इनकी जांच कर रहे हैं, लगातार केयर कर रहे हैं इसकी, और 4 संदिग्ध मरीज को अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में रखा गया है। और कोरोना की जो, लेकिन इसमें अभी तक कोरोना की होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मामला आ रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हमारी बात यहाँ के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा से हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के जो लक्षण होते हैं सामान्य लक्षण होते हैं ऐसे, लेकिन सामान्य लक्षण होने के बावजूद भी जहाँ से भी मरीज आ रहे हैं पूरी व्यवस्था के साथ जो पूरी टीम है वो कोरोना वायरस के मरीज के जो संदिग्ध मरीज है उसकी जांच के लिए लगी हुई है। सहयोगी कैमरा ऑपरेशन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच देश में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों को बिना वजह भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी है। बिहार सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित करते हुए राज्य के सभी कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सेवा अल्टरनेट कर दी है, जबकि भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी मॉल, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल को बंद करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को समीक्षा भवन में डीएम प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम ने कोरोना के संदिग्धों पर नजर बनाए रखने की बात कही। डीएम ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है। भागलपुर सनोखर थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर गांव स्थित बहियार से गुरुवार को संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान बैजनाथपुर गांव निवासी परमानंद सिंह के 45 वर्षीय पुत्र सुधीर कुमार सिंह के रूप में हुई है। मृतक के भाई राजेश सिंह ने बताया कि सुधीर सनोखर गांव में घर बनाकर रहता था और किराना दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बुधवार की शाम वह गांव में ही हो रहे भागवत कथा सुनने की बात कहकर निकला था, पर रात तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसकी काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। गुरुवार की दोपहर खेत में कार्य कर रहे मजदूरों ने खेत में शव होने की सूचना दी, जिसके बाद राजेश बहियार पहुंचे और शव का शिनाख्त अपने भाई के रूप में किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सनोखर थाना पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बांका चांदन पुल के समीप श्रीराम ऑर्थोपेडिक अस्पताल में प्रबंधन एवं डॉक्टर की लापरवाही के कारण बुधवार की शाम इलाज कराने आए मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत की खबर सुनते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करते हुए सड़कों पर अगजनी की। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बीच सड़क पर शव को रखकर मुख्य मार्ग को घंटों बाधित कर दिया। वहीं हंगामा होता देख अस्पताल के सभी कर्मचारी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि बुधवार को सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय ट्रैक्टर चालक जॉनी कुमार जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन देने पर मरीज की स्थिति काफ़ी खराब हो गई और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर होता देख डॉक्टर भी मौके से फरार हो गया। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही SDPO DC श्रीवास्तव, BDO विजय चंद्र सहित काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम को लेकर गुरुवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने जागरूकता अभियान चलाया।
इस दौरान स्टेशन पर कार्यरत सफाईकर्मी, रेलकर्मी एवं यात्रियों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी और बचाव के उपाय बताए गए। सदर अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि शिविर लगाकर कोरोना के लक्षण के बारे में सफाईकर्मी, रेलकर्मी एवं यात्रियों को जानकारी दी गई। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार ने स्वच्छता बनाए रखने, मास्क लगाकर कार्य करने एवं पूरे प्लेटफॉर्म परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव करने की बात कही। वहीं पैनल अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूम्पा कुमारी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर जगह जगह जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता फैले और जो है कोरोना से डरना नहीं है और कोरोना के प्रति जागरूक होके ही साफ सफाई रखें और भीड़ भगदड़ को जमा नहीं करेंगे। एक लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया था आज भागलपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, यहाँ जो भी सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ जो भी लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो इस कोरोना वायरस के संबंध में उसके लक्षण और उससे बचाव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। छोटा सा वायरस जो कि आंखों से भी नहीं दिखता कोरोना, इसको लेकर वर्तमान में हमारी पूरी व्यवस्था पूरे देश में आप सभी को पता है कि हम लोग सारे लोग हाई अलर्ट पर हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि ये जो छोटा सा वायरस है जो कि हमारे आंखों से भी नहीं दिखता, वो सिर्फ छूने मात्र से कैसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलवाचक के समीप गुरुवार को दो बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरा बाइक सवार गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जगदीशपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के कुनैनी गांव निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद तौफीक के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घायल युवक रजौन से भागलपुर किसी निजी कार्य से जा रहा था। इसी दौरान बलवाचक के समीप विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे सामने से टक्कर मार दिया। जमीन विवाद को लेकर हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर शाहकुंड सजौर मुख्य मार्ग पर वर्षों से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर मोहम्मद सफीउर रहमान ने 15 मार्च को अपने भाई मोहम्मद मेह खान और उसकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। अपने सहयोगियों के साथ घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सफीउर रहमान दोनों को मृत समझकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में घायल दंपत्ति को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि शाहकुंड थाना में मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस अब तक हत्यारे को नहीं पकड़ पाई है, जिसके कारण आरोपी खुलेआम केस उठाने की धमकी दे रहा है। परिजनों ने कहा कि पुलिस अगर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो अपराधी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। सफीउर रहमान लड्डा समाज लाछो लाछो का दो लड़का निषाद नहीं है उसका बाप नंबर टू सब इनके चारों साइड पहले गोली मारा थोड़ा रास्ता। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, मुजरिम खुलेआम घूम रहा है और थ्रेडिंग दे रहा है कि एक मर्डर किए जब तक चार पांच मर्डर नहीं किए तब तक जेल नहीं जाएंगे। एक मर्डर करने से भी उतने सजा, पांच मर्डर करने सबको मार देंगे तभी जेल हाजिर होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी अस्पताल को सरकार ने एक तरफ जहां अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से चिकित्सक ही गायब पाए जा रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के सदर अस्पताल का है। सरमसपुर निवासी साकेत कुमार अपनी पत्नी को लेकर इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले। अस्पताल की व्यवस्था से नाराज होकर साकेत ने कहा कि अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक बहाना बनाकर मरीज को देखने में आनाकानी करते हैं। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल के कई डॉक्टर हमेशा समय के पूर्व ही ड्यूटी छोड़कर फरार हो जाते हैं और समय पर नहीं आते हैं।
परेशानी ये है कि यहाँ की जो मैडम बैठती हैं बोलती है 10:30 बजे जब 10 बजे मेरा टाइम है 12 बजे तक हम उठ जाएंगे, जिसको बोलना है बोलिए, कोई फर्क हमको पढ़ने वाला नहीं है। आपको आना है तो यहाँ 11 बजे तक दिखाइए, अगर 5 मिनट लेट हो जाएगा कोई सीरियस पर्सन नहीं देखेगी, पहले उनका मतलब कुर्सी मतलब टाइम हो गया तो चल देंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के बैनर तले सनौला प्रखंड में शिक्षकों ने जन जागरूकता रथ निकालकर पूरे प्रखंड में कोरोना वायरस से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। जागरूकता रथ उदय सिंह के नेतृत्व में सिलहन, खजूरिया, धुआवे, तुलसीपुर सहित कई गांवों में गया और आम लोगों के बीच साफ सफाई रखने एवं भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने की अपील की। मौके पर शिक्षक अर्जुन केसरी ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, स्वच्छता और सावधानी बरतकर इस वायरस से निजात पाया जा सकता है। मौके पर सुजीत कुमार, अमन कुमार, परमेश्वर दयाल, योगेश कुमार, अंजना कुमारी, मुन्नी कुमारी सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। लोग आज 31वें दिन हड़ताल पर रहते हुए हम लोग यह कार्यक्रम कोरोना वायरस के बचाव हेतु हम लोग वार्ड वार्ड गांव गांव जाके हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। जागरूकता के तहत हम लोग उसको बचाव या साफ सफाई और कुछ मास्क और सैनिटाइजर और साबुन वगैरह का वितरण भी किया जा रहा है। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में नहीं थम रहा है सुअरों की मौत का सिलसिला, विधायक ने किया स्थल निरीक्षण, निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना के 13 संदिग्ध मरीजों की हुई जांच, 4 का चल रहा है इलाज। कोरोना के कहर को देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, जन जागरूकता फैलाने की कही बात। कहलगांव में संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति का शव हुआ बरामद, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, जांच में जुटी पुलिस। और बांका में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने ली मरीज की जान, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।